पंत स्मारक। गोदी आएगा मैं देखो, इतने नैरो रोड में लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है उल्का देवी मंदिर से, जो कि कौन से रास्ते में, चंडाक वाले रास्ते में पड़ता है। तो ये वाला रास्ता जो नीचे जाता है ये मार्केट को जाता है, और जो ये सीधे ऊपर जाएगा ये वाला रास्ता ये चंडाक जाएगा। तो और यहाँ से जो सामने दिख रहा है वो रई स्मर सिलौली वाला एरिया दिख रहा है, वो जो गांव वगैरह दिख रहा है। तो अभी हम उल्का देवी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं कि यहाँ पर जय माँ उल्का दरबार लगा हुआ है, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी तो नहीं है, मतलब कुछ सीढ़ियाँ हैं। कितनी होंगी, 30-35 सीढ़ियाँ होंगी, और चढ़ते जाते हैं उनमें। और बहुत सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, और अभी शाम का टाइम है, 4 बजने वाले हैं, तो व्यू बहुत अच्छा आता है, ऊपर से सनसेट व्यू दिखाई देता है। होता है और राइट हैंड साइड पे उधर पे कुछ रूम्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ शादियाँ भी होती हैं यहाँ पर ना, और शादियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जागरण वगैरह भी लगते हैं। तो पहले इसी को देखते हैं फिर मंदिर में जाएंगे। यहाँ पर खूब सारे रूम, यहाँ मंडप होता है शादी का। और भावना दी और मेरी दीदी है, बड़ी वाली जो दीदी है उसकी शादी भी यहीं हुई, यही हुई थी। हाँ, मुझे नहीं पता दीदी की शादी। और ये टूरिस्ट हाउस बगल में। हाँ, ये बगल में टूरिस्ट हाउस है, और यहाँ पर ये शहीद स्मारक बना हुआ है। ये देखिए सामने से सनसेट हो रहा है, और इस साइड जब हम आते हैं तो ये पूरा कौन सा एरिया दिखता है, बचे थी ये, मतलब ये आधा भी थोड़ा अगर इस साइड दिख जाता हमको। ये देख, ये यहाँ पे सनसेट हो रहा है, पूरा ऊपर चंडाक दिखता है। तो यहाँ से ये बैक साइड हो गया, और ये इसका फ्रंट साइड है, पूरा नीचे रई वगैरह पूरा दिखता है, मर सिलौली वगैरह। तो ये है, अब यहाँ से हम जब निकलेंगे तो सामने वो मंदिर की एंट्रेंस है, हम कहते हैं एंटर उल्का माता के दरबार में। जल अमृत है जीवन के लिए, आओ बचाए से कल के लिए, जल ही जीवन है। बैक साइड आ जाता है। पहले जब हम कुछ काम नहीं होता था तो यहाँ आके बैठते थे, अब तो यहाँ ये लग गया है बाउंड्री, पहले हम यहाँ बहुत बैठे रहते थे जब हम बेरोजगार और अनमैरिड हुआ करते। परिक्रमा पूरी हुई, घंटियाँ लगी हुई हैं बहुत सुंदर से।
तो अब हमने कर लिए हैं मंदिर के दर्शन और हम ऐसे ही भटकने में लगे हैं। सामने से सूरज डूब रहा है और ये इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है। पुष्कर सिंह खाली नाचने में लगे आगे पीछे, इनका कोई काम नहीं है। ऐसी बात है, उल्का देवी मंदिर हम पहले बहुत आया करते थे, अब तो शादी के बाद आई थी मैं एक दो बार, अभी तो बहुत सालों में आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो ये हो गए हमारे मंदिर के दर्शन और थोड़ी देर बैठ लिए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, अब चलते हैं घर को। 4:30 बजने वाले हैं, शाम भी हो गई है, इस तरफ तो पूरा अंधेरा पड़ जाता है, तो चलो घर की ओर चलते हैं। तो ये है अब हमारी सवारी और इसमें मैं रखती हूँ फोन अपना। थारियाल जी और मैं रेडी हो गए हैं घर को जाने को, मांगी हुई स्कूटी, मांगा हुआ हेलमेट, आनंद ही आनंद। ये यहाँ का GGIC है, गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़। गर्ल्स इंटर कॉलेज है और ये वाली रोड सीधे नीचे RTO ऑफिस को जाती है। ये रोड भी बहुत अच्छी बन गई है अब, और यहाँ से पूरा फोर व्हीलर का रास्ता है वो नीचे रही पूरा दिख रहा है। ये है यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, नीचे पोस्ट ऑफिस को जाता है और ये सीधे घंटाघर को चले जाएगा। और ये है पंत स्मारक स्थल, हमारे देवभूमि की पहचान, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का स्मारक स्थल है ये। और ये यहाँ पर तिराहा जो है वहाँ पर लगा हुआ है। हाँ देखना मेरा चैनल। गांधी जी थोड़े ना हो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। कौन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत? उनको भारत रत्न मिला था ना, उत्तराखंड की पहचान है वो, तो उनका स्मारक स्थल है ये, पता है ना। तो मेरा चैनल देखना फिर, लिविंग विद विद्या, सब्सक्राइब करना। लिविंग विद विद्या, लिविंग विद LIVING, लिविंग विद विद्या, ठीक है। तुम भी आओगे उसमें, डालना पक्का, ठीक है। बाय। आज एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा ना तो मुझे पता चल जाएगा तुमने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, ठीक है। चल फिर बाय बाय बाय। और ये है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेल पिथौरागढ़। यहाँ से ये बैक डोर एंट्री है और वहाँ फ्रंट डोर आगे पे है, ये पूरा एरिया उसी का है वाला है। और ये BD पांडे बेस हॉस्पिटल बन गया है अब ये। यहाँ से हम जाते जाएंगे यहाँ पे सारी फार्मेसी आ जाती है। और तो और ये गणपति स्वीट्स। अब यहाँ से हम अगर ऊपर को जाएंगे तो मैं ससुराल पहुँच जाऊँगी, और नीचे को जाऊँगी तो मैं रही माई के पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं जाऊँगी नीचे को, ये नीचे सीधे, अगर वहाँ जाएंगे तो मैं ससुराल चली जाऊँगी। ये यहाँ का भगत समोसा है, जब हम कॉलेज से आते थे तो हमारे पास सिर्फ 5 रुपये हुआ करते थे, तो हम उसका समोसा खरीद के खाते खाते आते थे। और ये पूरा वही रास्ता है जिससे हम पैदल निकल, गाड़ियाँ ही नहीं होती थी, होती भी थी तो। और ये पूरा रही का एरिया, और ये वाला ये बड़ा पेड़ था यहाँ पे, और इससे हम पैदल जाया करते थे। ये पूरा यहाँ से सीढ़ी 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 हम पैदल जाते थे। यहाँ से भी है रही धारा वाला रास्ता, लेकिन ये है यहाँ का रही धारा जिसमें आता है पानी, धारा प्रह।
ठंडा। तो वो जो पैदल रास्ता था वो यहाँ पर निकलता था, यहाँ से फिर पैदल आते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं रई पुल पे। ये है रई पुल, ये नीचे कार बहती है एक छोटी सी। ये स्मार्ट पॉइंट खुल गया है इसके, यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। और अगर ये रास्ता सीधे आगे को जाए तो ये जाजरदेवल पंडा जाता है, लेकिन हम यहाँ को मुड़ जाएंगे और ये रास्ता मर सिलौली को जाता है। और यहीं डॉन बॉस्को स्कूल भी है, और अगर यहाँ से हम ऊपर को कट लेंगे तो अपने घर पहुँच जाएंगे। मुझे यहीं छोड़ दो। तो 60 किलो की बीवी को इतने नैरो रोड में लेके आए हैं। ये नहीं, मैं लेके नहीं आया, स्कूटर लेके आया। स्कूटर का थैंक यू आपको। यहाँ से हमारा घर स्टार्ट हो जाता है। ये बीज वगैरह लगे हैं, ये प्याज बो रखा है, ये है राई। बच्चा पार्टी गायब है, घर में एंट्री हो चुकी है। हेलमेट इधर ही दे देना। यहाँ पर बुआ मिल गई है अपने पौधे खुलाते हुए। तो अब हम घर पहुँच गए हैं और सारे बच्चों को अंदर बंद कर दिया गया है क्योंकि बाहर कोई देखने वाला नहीं था। मम्मी खाने की तैयारी कर रही होगी, तो आओ देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी माता खाने में लगी हुई है, बच्चों को गुड्डा दिया, सबको अंदर बंद। कहने लगे हम तो उनका देवी गए घूम के आ गए। वैसे तो कहने को मैं मम्मी की बेटी हूँ, लेकिन मम्मी अपनी जमाई का पक्ष लेते हुए उसकी वो तारीफ करी। बच्चों को अंदर बंद कर दिया गया है, तो अब श्रद्धा के आने का वेट है। उसके बाद हम बनाएंगे चाय, क्योंकि वैसे तो मैं वहाँ चाय नहीं पीती हूँ, पर यहाँ ये लोग फोर्स भी कर रहे हैं और माहौल भी ठीक ही ठंडा हो रहा है। ठीक ही हो रहा, मतलब फिर अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है जब दूसरे के उसमें आप आ जाते हो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है सरी का, वो आए तो हम बनाएं चाय। कुछ कहना चाहेंगे आप? नो थैंक्स। इतना बड़ा तुलसा माता का पेड़ हो रहा है ये देखिए, और किस में लगा है, सिर्फ इतनी सी बकेट में। मम्मी की तुलसी है ये, मेरे परम पूजी दी फुफा जी है। देख रहा हूँ। हाँ, बहुत ही स्मार्ट, अति सुंदर। कुछ चार शब्द बोल दीजिए। कुछ क्या बोलूं? आपका इंटरव्यू लेना चाह रही है विद्या अपने चैनल के लिए। फुफा जी कुछ बताइए अपने जीवन के बारे में, कैसा महसूस हो रहा है आपको बुढ़ापे में? बुढ़ापे में बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने दिन याद आ रहे हैं। और फुफा जी, आप क्या बच्चों के लिए क्या चाहते हैं कि वो कैसा फ्यूचर हो भारत का, ये कुछ सजेस्ट करिए। बच्चे इतने अच्छे बने कि अपने माँ बाप का कहना तो माने ही माने, साथ ही समाज का भी और साथ ही अपने देश का नाम रोशन करें। और इसी बीच हमारा इंतजार खत्म हो गया है और हमारे चाय पीने वाली श्री देवी माता पधार चुकी हैं ऑफिस से थकी हारी, और बच्चे उनसे चिपकते हुए ये लाई नहीं, मिली नहीं। इनको सरदा का इंतजार नहीं, इनको जलेबी का इंतजार। मिली नहीं है, खत्म हो गई। हमने तो हलवा बनाने का सोचा नहीं था, कैंसिल कर दिया। उसने कहा बेटर था, अभी बनाने गया। झूठ, ये मेरा जैसा नहीं दिख रहा है। पगली क्या फिर रही। हम इसको उल्का देवी पहन के गए थे, जलेबी। जाओ काम ही ठहरा मेरे। सौरास में, गौड़ी हाथ में, तिल डुकरी में, माउंट आबू में, जयपुर में, रई में। तो डिनर के लिए क्या क्या बना हुआ है? डिनर के लिए बन रहा है मीठे की सब्जी, पहाड़ी कंदमूल है ये, और लौकी की सब्जी। गीठे का बनाते हैं मम्मी, कल भी अच्छा हो रहा था इसका। दाल भी होगी अभी, बनाओ अब इसको। काट खराब हो जाए।
अब मैं चाय बना के ले आई हूँ। ये है मेरी मासी, ये है। हम लोग 21 को आपके साथ आ रहे हैं और 22 को हमारे पीटीएम है। तो क्या हो रहा है? आयु की भी तो आज पीटीएम थी। कोई बड़ी बात हुई? कुछ हुआ? जो दांत नहीं तोड़ाएगा वो नहीं आएगा। अभी सुन लो, और ये अपनी पेस्ट्री लाई हुई, खुद ही खाने में लग गई है। और मैं मछली और चाय लेकर के यहाँ पर सुंदर सा नजारा। ओरियो और हम इसके आज देखते हैं। बड़ी सिल्क मिली है कि कौन सी है ये? लो पकड़ो तो। हम गुनी तो हो गए ना। चलो इसको दिखाओ एक बार। कितनी चिंता इसको। अरे नाना ने तोड़ा रे इसका दांत। देखा कुहू इज द ब्रेवर। को डेंटिस्ट के पास ही नहीं जाना पड़ा। ये वेरी गुड कुलू में बाबा में पोता। बंद कर ले मुंह, बंद कर ले। पियू तू क्यों रो रहा है? अरे गोदी आएगा मैं।